भगवद गीता अध्याय 2। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है नेत्र जिसके, ऐसे रुद्र करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यह दुख कहाँ से आया? यह नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से ना स्वर्ग मिलता है ना संसार में कृति होती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? यह तो मेरे महागुरु है, इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात करूँ तो इनको मारकर जो राज के भोग भोगूंगा, सो भोग इनके खून के साथ लिपटे होंगे और यह भी निश्चित नहीं कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं उनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और यह जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपया वह बात मुझसे कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरा इंद्रिया सूख गई है, सो बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्काम सारी भूमि का राज और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है? संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने हर्षिकेश केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध ना करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा जी, ऐसा दुखी को प्राप्त अर्जुन से भी कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वे तेरे कहे मारे नहीं जाएंगे। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, यह पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। यह बोलने वाला आत्मा है, यह अविनाशी है। देह की जैसे तीन अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही चौथी अवस्था मृत्यु है। ये देह के धर्म है। जो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है, यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंद अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान सुख दुख और शांति उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है इनको तू अविनाशी जान, यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह उन्नत ही शरीर उपजते भी है और इनका विनाश भी होता है,
मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है, यह कुछ खाता पीता भी नहीं है। आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई यह कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते, ना कोई मरा और ना किसी ने मारा। आत्मा कैसा है? यह न जनता है और ना मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है। किसी के कहे मारा नहीं जाता, केवल शरीर मरते जनते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि उनको हमने मारा या अमुक ना हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यह सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा देह को छोड़कर नया देह लेती है। आत्मा न शस्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, ना यह जल में डूबता है, ना ही पवन सुखा सकता है। आत्मा छेदन, काटने, जलाने, डुबाने और सुखाने से रहित, अविनाशी और सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया, उसे किसकी चिंता है? यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी की चिंता ना कर, क्योंकि जो जनता है वह निश्चय ही मरेगा, इसका जन्म निश्चित है, ऐसा जानकर चिंता ना कर। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है, कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिसका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ गए, उसकी चिंता क्या करे। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है, और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म ना जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए, और एक बात आत्मा की निश्चय करके जान ले कि यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता ना कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षत्रियों के लिए दुर्लभ है, ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वारा इनके लिए खुले हैं। इस युद्ध के माध्यम से ही यह सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और यदि तू यह धर्म युद्ध ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कृति भी जाती रहेगी। तू अपने धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कृति के गुण गाते हैं, वह तेरी निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो, ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते हैं, तुझको योद्धा और महारथी मानते हैं, वे ही तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे खड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो
सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। रण में मेरे तो स्वर्ग हो विजय हो महाराज, उनमें करो विचार यह युद्ध होता धनुषाज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा, इसलिए हे अर्जुन तू उठकर खड़ा हो, युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्रवर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर। धनुष रखा है दिखाने के लिए, बुजदिलों को बस डराने के लिए। हौसला दिल में जरा रखता नहीं, सुरमाओं से वह लड़ सकता नहीं। इसके बाजू में नहीं वो पहला सा असर, बात यह दुख की है क्या ख्याल कर। हे अर्जुन यह मैंने तुझे संख्या शास्त्र का मत सुनाया है, अब बुद्धि योग सुन कि यह कैसे है। इसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करे, आगे का पीछे का और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन होकर मेरे साथ बंधा है। इसको सूरज नहीं है, इसका साखी सुन। जैसे राम अवतार में भिलनी के भक्ति प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन किए हैं, हे अर्जुन मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला तुझे अर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे। सो यह देखने में तो थोड़ी है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा तेरा भक्त जन्म मरण के बंधन को काटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कहीं है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्तों के साथ मेरी बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों का सेवा साथ प्रीति है, मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और ना मेरे नाम के बिना कुछ सुख से कहते भी नहीं ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं वह कैसे है। वे मीठी वाणी के श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को सुनाते हैं, और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं। वह अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन वे वेद के विवाद से सुख की भ्रमित है, और लोगों को भी भ्रमित करते हैं, और इंद्रियों के भोगों में जिसका कामना है उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिसके किए में बरामर संसार में जन्म मरण होता है, जिसके करने से बहुत कष्ट हो, और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, उन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण जो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन अब वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसे है जहाँ शीत हो उष्णा हो ना ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा
सत्य स्वरूप और नित्य है तू, इसके साथ जुड़ आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख से बड़ा भेद है। अब इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इसके विषय एक एक ही कार्य होए, कुएं से यतन पूर्वक फल निकालकर ग्रहण किया जाता है, पर कुएं के स्थान स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते, और तालाब नदी में जाए तो वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, और जब महाप्रलय से सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जल पान भी हो, वस्त्र भी धोए। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़, तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग, अर्थात फल की चिंता ना कर, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जरकर पाप पुण्य दोनों को काट डाला और बुद्धि योग कर, आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं वाचते, मेरे साथ जुड़ते हैं, जो वास्ते हैं वो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है कृपया कर उसके लक्ष्य कहे, उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोग के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता है, किस भांति मैं कैसे समझ हूँ कि वह निश्चल बुद्धि है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठती, उनके आत्मा को पाकर संतुष्ट है।